हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बगवाड़ा स्थित कुट्टी के हनुमान जी के मंदिर का दर्शन कराऊंगा और ये बगवाड़ा से काफ़ी 2 ही किलोमीटर अंदर जंगल में जाके स्थित है, तो आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा। और ये मंदिर बहुत ही घने जंगल में बना हुआ है और यहाँ पर वन विभाग का अच्छे अच्छे डैम्स, मतलब बहुत बढ़िया पानी पीने की व्यवस्था जानवरों के लिए कर रखी है। तो आगे चलिए अपन इसको देखते हैं सर। और इसी के पास में ये एक तरफ ही मंदिर बना रखा है और इस मंदिर में यहाँ पे पुजारी जो है वो रहते हैं। और इस मंदिर की मैं लोकेशन आपको बताऊंगा, ये बगवाड़ा से करीब 2-3 किलोमीटर अंदर जंगल में जाके। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा रखा है जिस बोर्ड में ये बाकायदा लिखा है कुट्टी वाले बालाजी। तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा धुंधला है, पढ़ाई में नहीं आ रहा, पर फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुट्टी वाले बालाजी के नाम से दे रखा। तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गार्डन ही बना रखा है यहाँ के गांव वालों ने या सोसाइटी ने मिलके, और एक पानी पीने की व्यवस्था भी कर रखी है, ये भी अच्छी बात है। और दूसरी, आप जब यहाँ अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि घनघोर जंगल है, साथ के साथ में मैं बताना चाहूँगा, या देखो पशु पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था कर रखी है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मेरे यहाँ आने से देखो मोर उड़ गए हैं, लेकिन ये पानी पीने की व्यवस्था है। और ये जल कुब्बी बोलो या जल कमल जिसको अपन बोलते हैं, कमल के लोटस के, तो वो भी है। तो पूरे पानी की व्यवस्था भी यहाँ कर रखी है और ये काफ़ी बड़ा गार्डन बना रखा है। यहाँ जो रसोई भंडार है उसके बारे में बता रखा है, तो मैं वो भी आपको बताऊँगा। और फिर अपन धीरे धीरे क्या करते हैं, मंदिर की तरफ चलते हैं। और यहाँ देखो ये एक इस तरह से एक व्यवस्था कर रखी है, धोने के ऊपर पूरा वो बना रखा है, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और मैं दिखा रहा हूँ आपको ये पानी से चलने वाली मोटर के बारे में बता रखा है। तो देखिए ये एक धुना है और इस धुने को कवर्ड कर रखा है, तो ये बड़ी अच्छी तरह से बना रखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, यूनिक तरीका। और ये कुछ हिमाचल की याद दिला देता है मुझे, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, यूनिक आइडिया। साथ के साथ हम देख पा रहे हैं पीछे की तरफ घनघोर जंगल है, पूरा का पूरा जंगल, ये देखो पीछे बहुत घनघोर जंगल है, जबरदस्त जंगल जिसको हम कहते हैं। और फिर उस एरिया को ये ठीक करके और ये बनाया गया। मैं और भी बताना चाहूँगा, यहाँ जो अपन कहते हैं प्रसादी या भंडारे का जो व्यवस्था होती है, लंगर की व्यवस्था, तो उसके लिए अलग से रसोई घर बना रखा है जिसको राम कुटिया माँ अन्नपूर्णा भंडार के नाम से दे रखा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि सभी भक्तजनों को यहाँ प्रसादी के लिए व्यवस्था कर रखी है। तो ये देखिए संत निवास, भंडार कक्ष और राम कुटिया दे रखी है। ये पुराने पेड़ है और ये गार्डन काफी लंबा फैला हुआ है, अगर हम इसको और भी देखते जाएं तो काफी बड़ा गार्डन है, काफी भूभाग में ये कवर्ड कर रखा है। और गार्डन भी इस तरह से बना रखा है कि बच्चे यहाँ आराम से आके घूम सकते हैं, पूरा दिन निकाल सकते हैं। आप भी कभी किस दिन मंगलवार के दिन या संडे के दिन आए और यहाँ देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। यहाँ पर थोड़ा डर तो बना ही रहता है जानवरों का, क्योंकि पूरा जंगल का एरिया है और जंगल विभाग के ने कवर्ड भी कर रखा है इसको, आप देख पाएंगे। तो थोड़ा सुबह शाम थोड़ा सोच समझ के आए। ये मेरे पीछे जो देख पा रहे होंगे ये आगे पूरा जंगल है जो नाहरगढ़ की तरफ चला है, और वगैरह मैं देख ही पा रहा हूँ ये आके यहाँ पानी पीते हैं। थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है यहाँ, क्योंकि ये काफी जंगल में है तो सेफ नहीं है, कभी कभी लोग आते हैं मंगलवार के दिन, जैसे आज मैं आ गया, सावधानी से यहाँ आए। मैं और भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको ना सिर्फ जंगली जानवर बल्कि सांप घोड़े भी मिल सकते हैं, क्योंकि पीछे मेरे पहाड़ी एरिया है। तो अब हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, और मंदिर की तरफ मैंने बताया था ईद साइड में जो है ये राम कुटिया या जिसको हम लंगर की व्यवस्था कहते हैं या प्रसादी भंडारे की व्यवस्था है जो वो है। और ये वो धुना है, इस तरफ जो धुना है, तो धुने में मैंने दिखाया आपको। और ये पक्षियों के दाना चुगने के लिए एक जगह बना रखी है, तो मुझे लगता है कि ये तुलसा वगैरह जो लगाते हैं, जो पवित्र पेड़ हम यहाँ लगाते हैं, उसकी एक व्यवस्था यहाँ कर रखी है। यहाँ कुछ पीपल के पेड़ भी हैं, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और कल आंधी भी आई थी, तो आंधी की वजह से होने की वजह से क्या हो गया, काफ़ी सारे पेड़ टूटे भी हैं। और ये मंदिर बना रखा, तो ये मंदिर काफ़ी बड़ा एरिया, चलते हैं देखते हैं मंदिर को। और ये पानी की व्यवस्था कर रखी है, यानी मोटर लगा के पानी आता है, तो ये भी एक अपने आप में बढ़िया है कि यहाँ पानी की पूरी व्यवस्था है, ये मोटर के यहाँ लगा हुआ है। चलिए अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं दोस्तों।
और ये मंदिर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये मंदिर, और यहाँ से मैं आया था इस वाले रास्ते से, तो सीधा मंदिर प्रांगण में यहाँ से आ सकते हैं। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और ये मंदिर काफ़ी बढ़िया बना रखा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, पुराने टाइम के गांव की याद दिला देता है। और ये छोटा सा शिव मंदिर भी बना रखा है, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी यूनिक चीज़ और याददाश्त वाली चीज़ होगी। अब हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर में जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो ये स्थान बना रखा है जहाँ पे प्रसादी या विभूति ले सकते हैं, और साथ में ये बालाजी, बालाजी कुट्टी वाले बालाजी का मंदिर जो कहलाता है, ये वो कुट्टी वाले बालाजी का मंदिर है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये कुट्टी वाले बालाजी का मंदिर है, तो इसी के दर्शन के लिए आज मैं यहाँ आया था, जय हो बालाजी की, और आप सभी को भी इसके दर्शन लाभ मिले इसी उम्मीद के साथ। ये इस मंदिर के अंदर से, और मेरे को लग रहा है बहुत पुराना मंदिर है ये, क्योंकि ये देखो ये सोलर लाइट की व्यवस्था भी कर रखी है, तो इस तरह से ये व्यवस्था है पूरी की पूरी। मैं बालाजी की छत पे भी जाकर दिखाना चाहूँगा आप, छत है तो मैं आपको बताऊँ, ये काफ़ी लंबा रास्ता है जो जंगल में से होता हुआ ये रास्ते से हम आए थे, तो ये काफ़ी बड़ा रास्ता है और काफ़ी पुराना मंदिर है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस मंदिर में आऊँ और मैं इसका वीडियो बनाऊँ, और जब भी यहाँ आएंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त जंगल है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे पूरा जंगल, और फिर इसके बाद में जस्ट मंदिर के बाद में वो पहाड़ आ जाता है। ये पहाड़ वही है जो आमेर की तरफ जाता है, तो पहाड़ से बिल्कुल टच में करते हुए ये एक जगह बना रखी है, जिस जगह को कुट्टी वाले बालाजी के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बरसात के दिनों में ये दर्रा जो दिख रहा है, ये दर्रा आपको लग रहा है कैमरे में आ नहीं पाएगा, तो ये छोटा है लेकिन है नहीं, बहुत ज़्यादा गहरा है ये। ये सब देखोगे आप, पेड़ भी इसके अंदर पूरा का पूरा समाया हुआ है, तो कितना बड़ा दर्रा होगा। तो इस दर्रे में पानी चलता होगा, और फिर ये दर्रा आगे से पहाड़ से होता हुआ और फिर इस कैंप की तरफ आता है, बालाजी का जो है उस कैंप की तरफ ही आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा कैंप बना हुआ है, तो काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी बड़ा एरिया है, तो कभी भी यहाँ आप आएँ आपको बहुत ही आनंद और बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ज़ोरदार जगह है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वही दर्रा है जो बालाजी के मंदिर के पास दिखाई दिया था, और बरसात के दिनों में ये पानी भर जाता है, और ये दर्रे के ऊपर एक सड़क बना रखी छोटी सी, तो इस सड़क को क्रॉस करके ही हमें मंदिर की तरफ जाना पड़ेगा। तो यानी दोनों तरफ दर्रा है और बीच में ये मिट्टी को इकट्ठा करके दर्रा को क्रॉस करने का रास्ता बना रखा है, तो बरसात के दिनों में बहुत ही मजेदार हो जाता है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये दूसरा दर्रा है, तो दो दर्रे क्रॉस करके ही हम कुट्टी वाले बालाजी के जा सकते हैं, और ये दर्रा मुझे लगता है इतना खतरनाक है कि यहाँ बरसात के दिनों में तो गजब पानी आता है। इस समय भी आप देख रहे हैं गर्मी के टाइम में भी यहाँ पे हरी घास और बहुत ज़्यादा ठंड है, पूरा का पूरा एरिया जो देख पा रहे होंगे। और ये फिर पानी का कटाव इस तरह से घूमता है, इस तरह से दिखाई देता है जैसे किसी नदी ने बहुत ज़बरदस्त मोड़ लिया हो, तो आप ये देखें नदी फिर मुड़ती है, और नदी मुड़ के फिर ये आगे की तरफ इस तरह जा रही है, सांप की तरह बल खाती हुई, और फिर ये आगे नदी इस तरह चली जाती है। तो ये देखिए गजब का पूरा बना हुआ है, तो ये जोरदार है आपका, और इसको क्रॉस करके ही फिर आप आगे जा सकते हो। और ये रास्ता भी खतरनाक है, ये रास्ता भी किसी चैलेंज से कम नहीं है कि आपको इस रास्ते क्रॉस करते हुए फिर आना पड़ेगा। ये एक रास्ता है, इस रास्ते से आगे तो फिर घर हैं और गांव है और सीमेंट की सड़क भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ तक तो आपको पहुँचना ही पड़ेगा। और इस रास्ते से मैं आया था, और यहाँ से होते हुए और फिर मैं आगे ये कुट्टी वाले हनुमान जी के गया था। देख पा रहे होंगे ये काफ़ी बड़ा गार्डन बना रखा है, और इस गार्डन में ही एक कोने के अंदर बालाजी का मंदिर है, और पीछे पूरा जंगल है, और पीछे जस्ट पहाड़ है। ये पहाड़ आमेर की फोर्ट जो कहलाता है, आमेर की जो घाटियों की तरफ जाता है, या नाहरगढ़ वाला जो जंगल का एरिया उससे टच करता है, तो इसके आगे ही जैसे हम जाएंगे तो नाहरगढ़ का पहाड़ आ जाएगा, तो उस वाली एरिया में ये है। तो यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा समय आपको चाहिए, और समय से आप लेके आए करीब, क्योंकि 1.5 घंटा से आपको दौलतपुरा बगवाड़ा होते हुए अंदर आना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा, और मैं साथ के साथ कई बार ये बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आपको क्या कुछ नया देखना वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी उम्मीद के साथ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ये भी बताएं कि और भी क्या नया हम दिखाएं, और भी क्या नया कुछ बनाएं, तो उसके लिए भी आप मुझे प्रेरित कर सकते हैं कमेंट डाल के। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू वेरी मच।